दोस्तों शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी सब अच्छा ही होता है, यही सोचा था बॉलीवुड वालों ने 2023 के लिए। इसीलिए 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में बड़े बजट और बड़े सितारों की फिल्में रिलीज करने की सोची। कौन सी हैं फिल्में और क्या कमाल करेंगी, चलिए देखते हैं। नंबर वन, इसमें पहला नाम शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान का है। इस फिल्म से शाहरुख खान 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। नंबर टू, पिछले साल कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही उनकी फिल्म फ्रेडी को भी खूब प्यार मिला था। इस साल 10 फरवरी को उनकी फिल्म शहजादा रिलीज होने वाली है। नंबर तीन, 24 फरवरी को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी रिलीज होगी। बीते साल अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हुई और सभी फ्लॉप रही, ऐसे में अक्षय को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। नंबर चार, ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के असफल होने के बाद रणबीर अब श्रद्धा के साथ तू झूठी में मकार में दिखने वाले हैं। यह फिल्म 8 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने किया है, जिन्होंने प्यार का पंचनामा, पंचनामा 2, सोने के टीटू की स्वीटी जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। नंबर पांच, लिस्ट में आखिरी नाम अजय देवगन की फिल्म भोला का है। अजय की दृश्यम 2 ने तगड़ी कमाई की थी, ऐसे में देखना होगा कि 30 मार्च को रिलीज होने वाली भोला क्या कमाल दिखाती है। दोस्तों आप इनमें से किस फिल्म के लिए बताए कमेंट से बताइए। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।